देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है कि सब कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल आउटसोर्स जो भी है उन्हें सेम वर्क सेम पे मिलना चाहिए। सरकार मतलब एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू कराने के लिए हमें यहाँ धरने पे बैठना पड़ रहा है। अगर ये कैसे डेमोक्रेसी है, अगर हम कोर्ट के ऑर्डर के लिए सड़कों पर हैं तो और कौन हमारी सुनेगा। यहाँ तो कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है। आप 20-30 सालों से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर काम करा रहे हैं, इसका मतलब आपको हमारी ज़रूरत है। और हम लोग थ्रू प्रॉपर चैनल आए हैं, हमारा एम्प्लॉयमेंट से नाम आया, हमारा इंटरव्यू हुआ, हमने एग्जाम दिया, हमारा मेडिकल हुआ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में, तब हम रिक्रूट हुए। और आज हमें 20 सालों से इन्होंने पहले तो कॉन्ट्रैक्ट कम से कम सैलरी तो एक समान होती थी, आज उसकी सैलरी बिल्कुल ग्रेड में दे रहे हैं, रेट पे दे रहे हैं, और हम लोगों को एक कंसोलिडेटेड सैलरी तरफ रखा है कि आप और जो भी हमारे इंक्रीमेंट होते हैं उन्हें भी खत्म कर देते हैं, एक लिमिट के बाद आपको बराबर कर देते हैं। तो हम अपने अधिकारों के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आज 20 दिन हो गए हैं और गवर्नमेंट बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। जब ये गवर्नमेंट आई थी तो उसने बोला था कि हम सब लोगों को परमानेंट करेंगे, परमानेंट तो दूर है। आज इस गवर्नमेंट को भी 3 साल होने जा रहे हैं, इसने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम चाहते हैं कि सबको कॉन्ट्रैक्ट के कम से कम सब संतोष चाहिए, इसी को हर कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉय को तो सेम वर्क सेम पे मिलना चाहिए। तो हम बस इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको तो लागू किया जाए, हर किसी एम्प्लॉय का जो अधिकार है उसे मिलना चाहिए। डेमोक्रेसी में अगर हम अपने अधिकारों के लिए भी सड़कों पर बैठे हैं तो कैसी डेमोक्रेसी है, कैसी गवर्नमेंट है? जनता गवर्नमेंट हमारी सुनने को तैयार ही नहीं है किसी बात को। कोई और पेशेंट इतना सफ़र कर रहा है 20 दिनों में, पेशेंट इतने धक्के खा रहे हैं, हमें फ़ोन कर रहे हैं कि हमें दवाइयाँ नहीं मिली। जो हमारी टीबी की दवाइयाँ हैं उसमें डेली पेशेंट को डोज देनी होती है, डेली दवाइयाँ देनी होती है। सब काम सफ़र कर रहा है, सिर्फ दिखाया जा रहा है पेपरों में कि काम ओके ओके चल रहा है, क्योंकि पेशेंट से गरीब है, वो कंप्लेन नहीं कर सकते, वो आ नहीं सकते लोगों को बताने के लिए, उनके पास किराए के तो पैसे होते नहीं, वो कहाँ जाके कंप्लेन करेंगे। इतने दुखी हैं। और हमारे PM मोदी जी ने बोला है कि 2025 में TB को ख़त्म करेंगे। ऐसे ख़त्म करेंगे, जो उनकी सेना है, जो उनके सैनिक है, उन्हीं के पास कुछ हथियार नहीं है, उन्हें लूले अपाहिज बना रखा है, तो वो कैसे जंग लड़ेंगे TB के खिलाफ। सारे पेशेंट फसल कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट काम ढंग से नहीं हो पा रहा है, ये सिर्फ पेपरों में दिखा रहे हैं कि हमारा काम ओके चल रहा है। सबसे ज़्यादा पेशेंट फसल कर रहे हैं और हम लोग तो सड़कों पर बैठे हुए हैं, और जब तक हमें ये सेम के सेम वक्त नहीं मिलता हम यहाँ से नहीं उतरेंगे।